हेलो फ्रेंड्स, लर्न इट वन क्लिक चैनल पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं 10 अगस्त 2017 की करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर, फ्रेश इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक्स आउटलुक से लिया गया न्यूज है, जो कि SSS CGL, IBPS, PO A Clerk, RBI, UPSC एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके फ्रेंड, तो जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं हेडलाइंस की बात करूं तो आज 36 हेडलाइंस हैं और मैक्सिमम जो न्यूज है मैं 9 अगस्त की कवर कर रहा हूं आज, और 8 अगस्त की वही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं कवर करूंगा। तो दो डेज की मैं इसमें इस वीडियो में न्यूज कवर करने वाला हूं, 9th and 8th अगस्त की। ओके फ्रेंड, गवर्नमेंट टू एक्सपैंड लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट टू साउथ इंडिया। नीति आयोग पार्टनर्स विद 6 स्टेट टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट्स कंस्टिट्यूट कमिटी टू मेक ड्रग्स मोर अफोर्डेबल। केरला हरियाणा टॉप सैनिटेशन सर्वे। ढाका टू ओपन डिप्लोमेटिक स्टेशन इन चाइना, चेन्नई। इंडिया रेक्टिफाई सेकेंड कमिटमेंट फ्रीड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। इंडिया रैंक 43rd इन ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स। सिटीजन ऑफ 80 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया डोंट रिक्वायर वीजा टू एंटर कतर। Vijaya Bank open self-employment training institute in Indore. Finance Ministry panel to resolve bank pensionary issues. ICICI Bank launches instant credit card with the limit up to 4 lakhs. IDFC Bank partners with ZETA Jetia for digital payment solution. Amazon launches virtual customer service in India. Amazon India and Telangana handloom cap impact. Gujarat first state to implement coal utilization between power unit. Justice Deepak Mishra appointed as 45th Chief Justice of India. Kyan Chennai won bronze at 7th Asian Shotgun Championship. BJP MP from Ajmer and a former Union Minister Ajmer Sanwar Lal Jat passed away. Former West Bengal CM Gyan Singh Sohanpal passed away. International Day of the World Indigenous People, August 9, 2017. 75th anniversary of the Quit India Movement. Axis Bank cut saving account rate. SEBI ban trade in sale companies. 24/7 virtual fence along Indo-Pak border. Jadeja become number one all-rounder in test. Framework for crafting code on China Sea. GIC of India files for IPO. Book on Kushwant Singh. 8th medal for India at junior boxing. India and US to conduct military exercise. India ASEAN Youth Summit in Bhopal. Deputy Comptroller for Minority Affairs. Flipkart launch Budding Star program. Zuma survive no confidence vote. Debit card offer for zero balance account. August 15 to be celebrated as Sankalp Parv. तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हेडलाइंस डिस्कस कर लिए हैं और उसके बाद सारे न्यूज को मैं डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ। गवर्नमेंट टू एक्सपेंड लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट टू साउथ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो लॉजिस्टिक डेटा बैंक है प्रोजेक्ट, उसको सदर्न रीजन में भी एक्सपेंड करने के लिए। और अभी ये जो था सिर्फ वेस्टर्न लॉजिस्टिक कॉरिडोर था, वेस्टर्न कोस्ट पर था। और देखिए, लॉजिस्टिक डेटा बैंक जो है July 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है वहाँ पर, और जिसका एम था टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन करंट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन एनवायरनमेंट थ्रू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ट्रैकिंग व्यूइंग द मूवमेंट ऑफ कंटेनर्स अक्रॉस द पोर्ट। इसका एम जो पोर्ट के चारों तरफ जो मूवमेंट होते हैं कंटेनर्स के और जो भी शिपमेंट्स होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए ये लॉजिस्टिक डेटा बैंक बनाया गया है। और ये जो एक्सपेंड किया जा रहा है सदर साउथ इंडिया में, ये लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल्स जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट एंड जापानीज आईटी सर्विस मेजर NEC कॉरपोरेशन में 50-50 शेयर होल्डिंग है दोनों की। ओके फ्रेंड,
नीति आयोग ने 6 स्टेट के साथ पार्टनरशिप किया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसफॉर्म के लिए, जिसमें से फर्स्ट 3 स्टेट्स हैं यूपी, असम, कर्नाटका, और फिर मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर नीति आयोग ने अपना पार्टनरशिप किया है एजुकेशन एंड हेल्थ के सेक्टर में चेंजेस लाने के लिए। ओके फ्रेंड, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कमिटी टू मेक ड्रग मोर अफोर्डेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाया है जिसमें जो भी ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का मतलब फ्रेंड्स वो नहीं कि हाँ मूवी में अपन देखते हैं ड्रग्स, यहाँ पर मेडिकल के फील्ड की बात हो रही है। जो भी दवा होती है उसे हम मेडिकल साइंस के फील्ड में ड्रग्स बोलते हैं। ओके, एक कमेटी बना रही है कि हाँ जो भी पुअर पीपल है उनके पास जो भी मेडिसिन्स है वो आसानी से मिल रहे हैं कि नहीं, सही प्राइस पर मिल रहे हैं कि नहीं। और ये कमेटी 8 अगस्त को बनाया गया है, और ये कमेटी ये भी रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा कि जो प्राइस है मेडिसिन्स की, ड्रग्स की, वो पुअर पेशेंट के फेवर में है या नहीं। और ये कमेटी 2013 में स्कोप ऑफ ड्रग ऑर्डर प्राइस कंट्रोल 2013 जो था उसको भी रिव्यू करेगा, और उसमें क्या चेंज करना है उसको भी सजेस्ट करेगा। केरला एंड हरियाणा टॉप पर है सैनिटेशन सर्वे अभी जो हुआ है, जिसमें 4626 विलेज में ये सर्वे हुआ है, और ये सर्वे ये बताता है कि 62.4% जो इंडियन हाउस होल्ड हैं वो टॉयलेट यूज करते हैं फ्रेंड। और ये सर्वे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया थ्रू कंडक्ट कराया गया। सिक्किम, मणिपुर एंड नागालैंड इस सर्वे में टॉप परफॉर्मर है, जहां पर 95% रूरल हाउस होल्ड के पास टॉयलेट है। और वहीं पर यूपी, बिहार और झारखंड की बात करें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा, सबसे कम बिहार में टॉयलेट यूज होता है रूरल एरिया में 30% पीपल, और उसके बाद यूपी और झारखंड में अप्रॉक्स 37% टॉयलेट यूज होता है सैनिटेशन पर्पज से। ढाका, बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो कमिंग ईयर्स में 70 न्यू डिप्लोमेटिक सेंटर को ओपन करेंगे पूरे वर्ल्ड में, और इसी मद्देनजर बांग्लादेश चेन्नई में भी डिप्लोमेटिक स्टेशन ओपन करने वाले हैं। ओके, तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, और टाका वहाँ की करेंसी है, पीएम जो है शेख हसीना है। इंडिया ने रेक्टिफाई किया है सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकेंड कमिटमेंट है 2013 से 20 तक का है, और ये कमिटमेंट, ये प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस को, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज है उसको पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मेंटेन, क्लाइमेट ज़्यादा चेंज ना हो उसको मेंटेन करने के लिए, इस इंडिया इस कमिटमेंट को रेक्टिफाई करने के बाद 8th कंट्री बन गया है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल फरवरी 2005 में स्टार्टिंग हुआ था, फोर्स में आया था, और इसे शुरुआत हुई थी दिसंबर 1997 में जापान के कोटा शहर, क्योटो शहर से, इसीलिए उसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। ओके फ्रेंड, जो फर्स्ट कमिटमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल का वो 2008 से 12 तक था, और ये जो दूसरा कमिटमेंट है जनवरी 2013 से 2020 तक का है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक एग्रीमेंट है फ्रेंड। ओके, ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स जो कि फ्रेंच की एसेट मैनेजमेंट कंपनी नेटसिक्स ग्लोबल लॉन्च करती है, उसमें इंडिया 43rd रैंक पर, 43rd से ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, 43rd कंट्री, 43 कंट्री ही इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और इंडिया लास्ट पोजिशन पर है इस इंडेक्स में। ओके, ये जो इंडेक्स है चार फैक्टर पर डिसाइड किया जाता है। द पहला फैक्टर है द मटेरियल मीन्स टू लाइव कंफर्टेबली इन रिटायरमेंट, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विस, एक्सेस टू क्वालिटी फाइनेंशियल सर्विस टू हेल्प प्रिजर्व सेविंग वैल्यू एंड मैक्सिमाइज इनकम, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। और टॉप 3 कंट्री की बात करूँ तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड आइसलैंड है। ओके, अगर कतर में अगर आप जाना चाहते हैं और आपके पास वीजा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप जा सकते हैं विदाउट, बट तो आपके लिए पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कतर गवर्नमेंट ने 80 कंट्री को अनाउंस किया कि 80 कंट्रीज हैं उन
उनके सिटीजन कतर्स में आ सकते हैं अगर उनके पास वीजा नहीं है तो, उसमें इंडिया, कनाडा, यूएस, चाइना। तो पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए और आपको कन्फर्म्ड रिटर्निंग टिकट भी आपके पास होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर बिना वीजा के भी। तो कतर की कैपिटल दोहा है, करेंसी रियाल है और पीएम अब्दुल्ला बिन हमद बिन खलीफा अल थानी है वहाँ कतर के प्राइम मिनिस्टर। जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं टेस्ट में, और जडेजा अभी करंट में नंबर 1 टेस्ट बॉलर भी हैं और अब नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर भी बन गए हैं। ओके फ्रेंड, और बैटिंग में इनकी रैंकिंग 51 हो चुकी है। फ्रेमवर्क फॉर क्राफ्टिंग कोड ऑन चाइना से, देखिए साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी निगोशिएशन फ्रेमवर्क साइन किया है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी के लिए है। ओके फ्रेंड, और ये डिक्लेरेशन ये एडवांस वर्जन है 2002 डिक्लेरेशन ऑफ कोड ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी का। ओके फ्रेंड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, और इसने अपना फर्स्ट आईपीओ फाइल किया है। ओके, रेड हियरिंग आईपीओ फाइल किया है फ्रेंड। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और रेड हियरिंग का मतलब ये होता है कि आपको इस आईपीओ के बारे में, प्राइस एंड स्टेक के बारे में कोई पता नहीं होगा, तो ऐसा मनाया जा रहा, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो जो आईपीओ होगा उसमें लगभग 40.22% का स्टेक आईपीओ और 10,000 करोड़ रुपये के ही आईपीओ हो सकता है। और जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सिटी ग्रुप, एक्सिस कैपिटल, डच बैंक, एचएसबीसी, कोटक महिंद्रा कैपिटल टू मैनेज इनिशियल ऑफर को मैनेज करने के लिए। ओके फ्रेंड, अगर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन की जो आईपीओ है 10,000 करोड़ रुपए से जाती है तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक ऑफरिंग इन इंडिया हो जाएगा। मैक्लियोड विन वर्ल्ड टाइटल, ओमर मैक्लियोड ऑफ जमैका ने 110 मीटर के हर्डल्स का फाइनल जीत लिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि लंदन में हो रहा है, और इन्होंने ये हर्डल्स रेस जो है 13.04 सेकेंड में जीता है, और ये अब करंट ओलंप ये जो ओमर मैक्लोड है ये करंट 110 मीटर हर्डल्स ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल जीतने वाले मेन भी हो चुके हैं। खुशवंत सिंह इन विस्टम एंड इन जेस्ट के एक बुक है खुशवंत सिंह के ऊपर, खुशवंत सिंह इन विस्टम एंड इन जेस्ट, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने रिलीज किया है, और वो बताते हैं कि खुशवंत सिंह का बहुत बड़ा रोल था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से, जो भी पंजाब के बीच में टेंशन क्रिएट हुई थी उसको एलिमिनेट करने के लिए, और इस बुक को विजय नारायण शंकर एंड ओंकार सिंह ने लिखा है। ओके, और देखिए खुशवंत सिंह को पद्म भूषण 1974 में मिला है और पद्म विभूषण 2007 में इनको मिला है। जूनियर बॉक्सिंग में इंडिया को 8 मेडल मिल चुका है, और एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि प्यूरिटो प्रिंसिका फिलीपींस में हो रहे हैं वहां पे इंडिया को 8 मेडल मिल चुका है जिसमें से 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सत्येंद्र रावत जो जिन्होंने 80 केजी प्लस और मोहित खताना 80 केजी में सिल्वर मेडल जीता है, और वहीं पर जो 6 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला हुआ है। ओके फ्रेंड, इंडिया यूएस के बीच में हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, और इस साल 14 से 27 सितंबर तक, 14 to 17 सितंबर तक ये 13th युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होगा जो कि यूएस में एक ज्वाइंट बेस है लेविस मैकॉर्ड जो कि यूएस में है, वहाँ पे लगभग 2,000 इंडियन सोल्जर पार्टिसिपेट करेंगे, और ये 2,000 सोल्जर्स जो होंगे गोरखा राइफल के होंगे। ओके, और देखिए युद्ध अभ्यास है यूएस और इंडिया के बीच में, हर साल आर्मी अपना प्रैक्टिस करती है और ये 2004 से स्टार्ट हुआ था। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक ने ऑफर किया है कि आप 0
अमाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं हर साल, और उस आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो। ओके, जिसकी 99 रुपी एक साल की सर्विस चार्ज होगी, जो कि आप यूज करने के बाद एक साल भर बाद कटती है। और द यूजुअल एनुअल फी फॉर डेबिट कार्ड प्रोक्यूर्ड बाई 811। आप सोचते होंगे कि आपके 811 एक ऐड भी आता है, हमेशा आप सोशल नेटवर्किंग साइट ऑपरेट करते होंगे। तो देखिए, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और उसी समय इंस्पायर्ड होकर कोटक महिंद्रा ने 811 अकाउंट के नाम से ओपन किया है अकाउंट होल्डर जीरो बैलेंस अकाउंट। ओके फ्रेंड, इंडियन अमेरिकन दिलीप चौहान को अपॉइंट किया गया है डिप्टी कंट्रोलर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बाय नासाओ काउंटी कंट्रोलर सॉरी फ्रेंड कंट्रोलर गॉर्ग मैरगोस के थ्रू। ओके, तो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ फॉर माइनॉरिटी अफेयर जो कि इंडियन अमेरिकन है दिलीप चौहान, उनको यूएस में अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने ज्वाइन किया था कंट्रोलर ऑफिस 2015 में एज अ डायरेक्टर फॉर कम्युनिटी अफेयर साउथ ईस्ट एशिया, एंड ही सर्व्ड एज सीनियर एडवाइजर कंट्रोलर सिंस 2017। ओके फ्रेंड, देखिए इंडिया एशियन यूथ समिट जो होने जा रहा है मध्य प्रदेश से कैपिटल भोपाल में होने जा रहा है, जहां पर 10 एशियन जो कंट्री है उनमें से लगभग 100 डेलीगेट्स आएंगे, और ये समिट होगा 14 से 19 अगस्त तक। और ये एशियन की 25th एनिवर्सरी एशियन एंड इंडिया की 25th एनिवर्सरी को मार्क करेगा, क्योंकि आज से 25 साल पहले इंडिया एशियन का ऑब्जर्वेटरी मेंबर बना था। और इसकी थीम इस साल की है शेयर्ड वैल्यू कॉमन डेस्टिनी, और इंडिया के लगभग 75 यूथ लीडर भी इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट लॉन्चेस बर्न स्टार प्रोग्राम। फ्लिपकार्ट ने अपने एम्प्लॉय के लिए बर्न स्टार प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड पेड लीव के बारे में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इम्प्लॉय फ्लिपकार्ट में वर्क कर रहे हैं उनका टेन्योर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, और वो लगभग 3 लाख रुपी एज असिस्टेंस रिसीव पा सकते हैं। और असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू दोज विश टू पार्टिसिपेट इन एनी नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन पर्टेनिंग टू एनी फील्ड ऑफ द इंटरेस्ट। जो भी इम्प्लॉय किसी भी फील्ड में नेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने इंटरेस्ट से, उसके लिए भी इस प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं बर्न स्टार प्रोग्राम। ICICI बैंक लॉन्च इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड। ICICI बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम, जो कि अपने सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए तुरंत क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराएगा ICICI बैंक, और ये एक डिजिटल एंड पेपरलेस वे है। और इस क्रेडिट कार्ड में आप लगभग मैक्सिमम लिमिट है इसकी 4 लाख रुपी इसके, और ऑन प्री चेक ब्यूरो स्कोर बेसिस पर ये आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आप ऑनलाइन तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, और फ्यू स्टेप के बाद ई कॉमर्स साइट से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के ऊपर अभी इम्पीचमेंट हुआ था, बट पूरी वोट मेजोरिटी वोटिंग नहीं हो पाई इम्पीचमेंट में, जिस वजह से वो बच गए। और साउथ अफ्रीका जो प्रेसिडेंट हैं जैकब जुमा, उनके ऊपर वहाँ की पार्लियामेंट ने इम्पीच किया, बट 384 पार्लियामेंट्रियंस में से सिर्फ उनके अगेंस्ट में मोशन के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन के अगेंस्ट में 177 वोट आए, और इम्पीचमेंट के अगेंस्ट में लगभग 198 वोट मिले हैं। तो बाल बाल बच चुके हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जैकब जुमा जी। विजया बैंक ने ओपन किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंदौर में। विजया बैंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट VIBSETI विपसेटी, जो कि वेंसले विलेज इंदौर मध्य प्रदेश में है, वहां पर विजया बैंक ने सेल्फ एम्प्लॉय
मेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है जो कि लोन प्रोवाइड करेगा जो भी इस इंदौर के साथ साथ विजया बैंक ने अपने विजया बैंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंड्या एंड हवेरी कर्नाटका में भी ओपन किया है। और इंदौर में विजया बैंक के जो सीईओ एंड सीएमडी हैं किशोर सन सीनियर ने उद्घाटन किया। तो विजया बैंक जो है एक नेशनलाइज बैंक है जो कि फॉर्म हुआ था 1931 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, कर्नाटका की कैपिटल भी बेंगलुरु है। ओके फ्रेंड, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पैनल डिसाइड किया है जो कि पेंशनर्स हैं उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। देखिए बहुत समय से जो भी पेंशन मिलता है एंड रिटायर्ड पर्सन्स हैं उनकी इश्यूज पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो उसके लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली जी है उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो इस इश्यू को देखेगी। ओके फ्रेंड, आईडीएफसी बैंक पार्टनर विद जेटा फॉर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। आईडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप किया है डिजिटल पेमेंट कंपनी जेटा, ओके, जो कि लॉन्च किया है आईडीएफसी बैंक बेनिफिट। आईडीएफसी बैंक बेनिफिट एक पेमेंट सॉल्यूशन है कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए जो है डिजिटलाइज एम्प्लॉय स्पेंड्स एंड क्लेम मेकिंग द सिंपल प्रोसेस सिंपल एंड रियल टाइम एंड पेपरलेस। जो भी आईडीएफसी के एम्प्लॉय हैं वो अपने जो भी रीएम्बर्समेंट होती है एक्सपेंडिचर होता है उसको इस ऐप के थ्रू अपडेट कर सकते हैं और उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी बना देगा, पेपरलेस आप क्लेम कर सकते हैं और आपको रीएम्बर्समेंट आसानी से मिल जाएगा अगर वैलिड होता है। तो थोड़ी सी जेटा ऐप के बारे में हम जान लें। जेटा ऐप ऑफर्स एम्प्लॉयज अ रियल टाइम व्यू ऑफ एक्सपेंस रीएम्बर्समेंट लिमिट एंड क्लेम्स। इट अलाउज फॉर सेलेक्टिंग द डिपेंडेंट्स फॉर होम द परचेज इज बीइंग मेड एंड टेकिंग इट टू द करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस एंड फाइनली सबमिटिंग द क्लेम फॉर रिव्यू विदाउट एनी पेपर वर्क। द जेटा सुपर टैग कैन बी अटैच टू एनी डिवाइस टू टर्न इन टू पेमेंट डिवाइस। ओके, अमेजोन ने वर्चुअल कस्टमर सर्विस इंडिया लॉन्च किया है 9 अगस्त को। ये मॉडल लॉन्च किया है अमेजोन ने जो कि जिसकी ने सेट इसकी एम है टू क्रिएट कॉस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट फॉर स्किल कैंडिडेट सिकिंग मोर फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी। जो भी स्किल कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, अमेजॉन इंडिया एंड तेलंगाना हैंडलूम डिपार्टमेंट इंक पैड। अमेजॉन इंडिया और तेलंगाना हैंडलूम डिपार्टमेंट ने एक एमयू साइंड किया है कि जो भी कस्टमर्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और इनेबल वेवर एंड आर्टिसियन टू डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट टू अमेजॉन कस्टमर अक्रॉस द कंट्री। गुजरात पहला स्टेट बन गया है जो कि कोल यूटिलाइजेशन को पावर यूनिट जो भी देखिए पावर जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोल की जरूरत पड़ती है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो कोल यूज होता है उसके पावर जो भी पावर स्टेशन है उसको हैंड ओवर कर दिया है। ओके फ्रेंड, जिससे कोल की जनरेशन में जो है पावर की जनरेशन में कोल की यूटिलाइजेशन कम होगी और इस चीज़ को गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने हैंडल करेगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एम है कि टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर फाइनेंशियली एलिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड इंश्योर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक कोल। ओके फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट के 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ये अपॉइंट हो चुके हैं दीपक मिश्रा जी, और ये 27 अगस्त को जो अभी करेंट चीफ जस्टिस हैं जेएस खेर जी वो रिटायर हो जाएंगे 27 अगस्त 2017 को। उसके बाद दीपक मिश्रा जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। इनका टेन्यूर लगभग 14 मंथ का होगा और ये अगले साल 2 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। इंडियन शूटर कैनन चेनाई जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मेंस ट्रैप इवेंट में 7th एशियन चैंपियनशिप शॉटगन एट अस्थाना कजस्थान में जो हो रहा है। ओके फ्रेंड, और ये अपना लाइफ का पहला मेडल इन्होंने जीता है।
किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में फ्रेंड। ओके, बीजेपी एमपी फ्रॉम अजमेर, एंड देखिए अजमेर के एमपी, बीजेपी के एमपी और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर प्रोफेसर सनवर लाल जाट की निधन हो गया है, न्यू दिल्ली में इनका निधन हुआ है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन भी रह चुके हैं, और जुलाई लास्ट ईयर तक ये यूनियन मिनिस्टर थे। ओके फ्रेंड, और बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सोहन पाल, मिनिस्टर ज्ञान सिंह सोहन पाल जी का भी निधन हो चुका है। इनका निधन 8 अगस्त 2017 को हुआ और ये 92 इयर्स के थे। 9 अगस्त 2017 को वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे मनाया जाता है, और ये हर साल 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये रेजोल्यूशन पास हुआ था 49/214 ऑफ 23 दिसंबर 1994 को। ओके फ्रेंड, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी महात्मा गांधी के गाइडेंसशिप में, और वो ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो इस साल 75 ईयर हो गया है, तो 75th एनिवर्सरी इंडिया सेलिब्रेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट का, और जिसका थीम था संकल्प से सिद्धि। देखिए इस साल इंडिपेंडेंस का भी 70 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, तो इंडिपेंडेंस डे को एज अ संकल्प सेलिब्रेट किया जाएगा, और 2022 में एज अ सिद्धि सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसलिए इस साल का थीम है अगस्त मंथ में संकल्प से सिद्धि तक। ओके फ्रेंड, एक्सिस बैंक ने भी अपने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है एसबीआई को देखते हुए। एसबीआई ने सेविंग अकाउंट होल्डर को जिनका अमाउंट 1 करोड़ से कम है 3.5% इंटरेस्ट रेट पर एनम देगा, वहीं पर एक्सिस बैंक जो है 3.5% पर एनम 50 लाख तक के अमाउंट पर देगा इंटरेस्ट, और 50 लाख से अबव एक्सिस बैंक 4% इंटरेस्ट रेट देगा। वहीं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई 1 करोड़ से अबव आपके सेविंग अकाउंट में है तो 4% इंटरेस्ट रेट देने वाला है। सेबी ने बैन कर दिया है सेल कंपनीज को, इसमें लगभग 331 फॉर्म्स हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं बोरस लिस्ट में। ओके फ्रेंड, तो सेबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए लगभग 331 फॉर्म्स को बैन कर दिया है ट्रेड के लिए। 24/7 वर्चुअल फेंस अलोंग इंडो पाक बॉर्डर, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 24/7 वर्चुअल फेंस सेंसर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को ऑपरेट करने के लिए वर्चुअल फेंस के थ्रू, जिसमें सेंसर होंगे, डे नाइट कैमरा विजन कैमरा भी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। और दिस द पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन इन टू स्ट्रेच ऑफ 5 to 6 kilometers इन ईच जम्मू सेक्टर, जितने भी जम्मू में आर्मी के सेक्टर्स हैं, कैंप्स हैं, वहां पर 5 to 6 kilometers तक 2 stretches तैयार किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, स्टे ट्यून्ड, ये वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।